पलक की जर्नी बहुत अच्छी जा रही है। और एक टास्क तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि टास्क तो देखिए वहां पे अपने अपने हिसाब से सब लोग करते हैं, लेकिन एक बहुत जो फलक की पर्सनालिटी है उससे रिलेटेड एक इंसिडेंट वहां पे हुआ था, जब जैद हदीद जो है वो ब्रेक डाउन होता है और वो बहुत ज्यादा होता है और वहां पे उसको फलक संभालती है। तो मुझे लगता है कि फलक की जर्नी का वो सबसे बेस्ट पार्ट था, जहाँ पे वो एक्चुअल वही है जो वो अंदर है। वो बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हुए थे, उन्होंने अपना सामान वामान सारा नीचे निकाल लिया था और बहुत ज्यादा वो रो रहा था उस टाइम। हालांकि फलक उससे बात नहीं कर रही थी, क्योंकि उससे पहले वो कुछ शेमिंग वाला इंसिडेंट हुआ था, बेबिका के साथ जैद की लड़ाई हुई थी, और उस लड़ाई के बाद फलक ने, आपने देखा ही होगा कि वो उसको प्यार से जादू जादू बोलती है और उसने उसको भाई बना लिया है अपना, और वो उसको उसी तरह से ट्रीट भी करती थी कि लाइक माय ब्रदर। लेकिन वो एक इंसिडेंट वहाँ ऐसा हुआ कि जहाँ पे फलक को लगा कि नहीं, इसको मैं भाई नहीं बनाऊंगी। देखिए ग्रुप में सबसे बड़ी बात तो ये कि सब लोग गेम खेलने के लिए अंदर गए हैं, बट कुछ नेचुरली इंसान के वहाँ पे रिलेशन बन जाते हैं, वहाँ उनके अपने नहीं हैं, वहाँ पे सब लोग अनजान हैं। और फलक का तो एक्चुअली कोई नहीं है, फलक तो जिनसे भी मिली है अभी के इस वाले में ओटीटी में, वो सब सारे फलक के लिए अनजान है। उनके साथ फलक ने कभी पहले किसी से बात नहीं की है, पर्सनली किसी को जानती नहीं थी, तो एक वो कंफर्ट जोन आ जाता है जहाँ दो लोगों की सोच एक जैसी होती है। तो वो सारे अच्छे हैं। पूजा मैम का जो है वो बहुत ज़्यादा सीनियर है, तो मुझे लगता है कि फलक को उनकी रिस्पेक्ट की वजह से, जहाँ पे उसको काफ़ी चीज़ें वो बोल सकती है, लेकिन वो रिस्पेक्ट की वजह से वो वहाँ पे अपने आप को रोक देती है। फलक ने खुद ही उसमें बिग बॉस के अंदर दे दिया था कि हम दोनों निब्बा निब्बी तो है नहीं, आई एम सॉरी, तो हम दोनों मेच्योर हैं। तो उन्होंने मेच्योरिटी के साथ किसी को पसंद करना और अपनी पसंद का इजहार करना बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपको बोलना चाहिए, लेकिन उसकी पसंद को सामने वाला कैसे लेता है, उनको टाइम देना चाहिए एक दूसरे को, वो बिल्कुल सही है। मैं उस चीज़ से अग्री करती हूँ।